वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है खाने के बाद आपको फल क्यों नहीं खाने चाहिए, इसके पीछे क्या वजह है। आज की वीडियो में आप वो वजह जान पाएंगे कि आपको फल क्यों नहीं खाने चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी आने आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स, आपको फल कब खाने चाहिए और खाने के बाद क्यों नहीं खाने चाहिए, इसकी क्या वजह है। इसकी वजह ये है कि जब आप खाने के फौरन बाद जो है वो फल खाते हैं तो वो फल जो है वो खाने के साथ मिलकर मेदे में फंस जाते हैं और यूँ कह लीजिए कि वक्त पर ये जो है आंतों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इस कंडीशन में ये होता है कि मेदे में मौजूद ये दोनों गजाएं जो है वो खराब हो जाती हैं, जो कि यकीनन आपकी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए एक खतरा है और इसमें खराबी की वजह जो है वो बनते हैं। और आपको फल जो है वो कब खाने चाहिए, माहिरीन के मुताबिक फल जो है खाना खाने से पहले खा लेना भी बेहतर है। यानी आप कोशिश कीजिए कि खाना खाने से पहले ही खा लीजिए, तब ये आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन एक साथ खाने पर ये नुकसानदेह हो सकते हैं। फल आपकी सेहत को सबसे ज्यादा फायदा जो है वो तब पहुंचाते हैं जब आपका मेदा जो है वो खाली हो, यानी खाली पेट हो आप, यानी सुबह खाली पेट फल खा लेना जो है आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है। तो इसलिए खाने के साथ कभी फल को ना खाएं बल्कि खाली पेट खाएं। जब आपका पेट खाली हो, ये सुबह के वक्त हो सकता है या फिर दोपहर के वक्त भी हो सकता है, यानी उस वक्त खाइए जब आपका पेट खाली हो, लेकिन खाना खाने से पहले ना कि खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के अलग फायदे हैं और फल खाने के एक अलग फायदे हैं। फल और सब्जी को या खाने को कभी एक साथ ना खाएं, क्योंकि इस तरह जो है वो दोनों का फायदा जो है आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। और फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। जी दवेनस और गाइड लिया गया फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई बात अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव बात पता चलिए, मालूमत की बात पता चली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।